नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को के एन मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। आज की मिर्च में, आज की वीडियो में मैं मिर्च और शिमला मिर्च की खेती में इस समय जो लगभग 90% किसान परेशान हैं ब्लाइट से, या सड़न रोग, गलन रोग, या उकठा रोग, या फिर मैं वीडियो में दिखाऊंगा उन रोगों से परेशान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। और मैं इस वीडियो में प्रयास किया हूं कि आपको मार्केट की भी कुछ दवाएं बता दूं ताकि फौरी राहत आपको मिले। आप हमारी दवाएं मंगाते हैं, मैं भेजता तो हूं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ जो किसान दवाएँ नहीं मंगा पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो किसी तरह अपनी फसल को बचाएँ। यदि आपकी फसल बची रहेगी तभी आनंद आएगा आपको भी और हमें भी। देखिए किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखिए तो आप पाएंगे कि ऊपर के जो मिर्च के ऊपर की डंठल है वो गल रही है। ये जगह 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 आप देखेंगे तो ये गल रहे हैं। इस तरह के रोग इस समय जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश के मौसम में ये रोग आने लाजमी है। जैसे वातावरण में नमी शुरू होती है उस तरह ये रोग आ जाता है, और ये काफ़ी जल्दी किसानों से कंट्रोल नहीं होता, काफ़ी समय लेता है। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग लोग नाम देते हैं, कहीं इसको ब्लास्ट कहते हैं, कहीं इसको बिल्ट कहते हैं। और ये देखें, पत्तों पे ध्यान दें तो पत्तों पे भी पाएंगे कि इस तरह के रोग भी आपके यहाँ आजकल खूब आ रहे हैं। जिससे देखिए, इस फोटो में मैंने काफ़ी बढ़िया क्लिक किए, ये किसानों की फ़ोटो है जो हमसे दवा पूछे हैं या जिन्होंने ये प्रयास किया है कि सर इसे ठीक करना है, कोई उपाय बताइए, उन्होंने पूछा है, तो उनकी ये फ़ोटोज हैं। इस फोटो में देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है कि ऊपर से पत्तियां इसकी सड़ रही हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है और किस तरह से इस रोग से बचा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और दोनों तरीके की बात करेंगे, कुछ दवाएं मैं मार्केट की बता दे रहा हूं और कुछ दवाएं वो बताऊंगा जिससे ये 100% कंट्रोल होता है वो दवाएं हैं। तो और यदि आप शुरू से प्रयोग करें तो ये जो रोग है आपके खेतों में इसके आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं या आता ही नहीं है। देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में हम बात करें तो ज़मीन को शोधने की जो प्रक्रिया है, ज़मीन को ट्रीटमेंट करने की, मिट्टी को ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया हमारे भारतवर्ष में बहुत ही कम ऐसे किसान हैं जो ज़मीन को शोधते हैं। ये जो फंगस की बीमारियां हैं, अमूमन ये फंगस हमारे खेतों में ही रहता है, और जैसे ही ह्यूमिडिटी बनती है, जैसे आप देखेंगे कि अभी बारिश हुई, अभी धूप था खूब बढ़िया, फिर बारिश हुई, फिर धूप हुआ, तो अक्सर आपको ये लगता है कि ये बीमारी आपके खेत में बढ़ गई है, इस रोगों का आना काफ़ी बढ़ गया है। और इन रोगों में बहुत सारे लोग, हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो नाना प्रकार के फंगीसाइड का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो पहली बात तो किसान साथियों, हमें और आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि हम जब खेती करें तो ज़मीन शोधने का काम ज़रूर करें खेत से। जैसे कि मेरे जो भी किसान साथी हैं, मैं पिछले 8-10 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, और जिन किसान साथियों का मैंने ज़मीन शोधित करके खेती कराई है, ये रोग, ये फंगल की बीमारी, ये ब्लाइट आप कह सकते हैं, उनके खेतों में काफ़ी कम आया है। आया भी है तो काफ़ी कम आया है, और नहीं तो आया ही नहीं है। इस रोग पे को हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। कम से कम 3 फसल चक्र के में आप यदि मिट्टी को शोधित करने का काम करेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं आएगी। तो जब भी आप मिर्च की खेती करें, एक बार ज़मीन कैसे शोधित होगी उस पर बात करने के लिए मैंने स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर जरूर बात करिए, जिससे आप मिर्च की में खेत की शोधन करें और ये नहीं आए। दूसरी, जो इस वीडियो में मैंने दिखाया है आपको मिर्च की स्थिति है, यदि ये स्थिति है और आप
बहुत सारी दवाएं मारते मारते थक गए हैं और दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो उसका दूसरा रीज़न है कि प्लांट स्ट्रेस में चला गया है। आपने बहुत सारे केमिकल, इतने ज़्यादा केमिकल डाल दिए हैं कि पौधा इतने तनाव में चला गया है कि पौधा को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या लें, क्या न लें, कैसे ठीक हों। तो इसके लिए कुछ दवाएं हैं जो ऑर्गेनिक हैं, 100% ऑर्गेनिक हैं। इसे आप मंगाना चाहें तो अपने घरों पर मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक तो इसके लिए आपको मंगाना होगा PPFC नाम का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो, दूसरा PPNP नाम का प्रोडक्ट है वो, तीसरा स्ट्रेस आउट जो आपके फसल के स्ट्रेस को ख़त्म करेगा, और हर 15 दिन पे इसका एक स्प्रे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप डालना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपके खेतों में स्ट्रेस आपके यहाँ नहीं रह पाएगा, जिससे आप बहुत बढ़िया से कवर कर जाएंगे। इसके साथ एक आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा जिससे जो कि जिससे आपका पौधा खुराक ले, तनाव मुक्त हो और खुराक ले। साथ ही साथ यदि ये चीज़ें मिल जाती हैं तो इसके 5 दिन बाद, 5-5 दिन पे के अंतराल पे 3 स्प्रे आपको करने होंगे। इसके स्प्रे करने के बाद PPFC, PPNP, स्ट्रेस आउट और ब्लूम का स्प्रे करने के बाद आपको एक स्प्रे 5 दिन बाद फंगोहिट का जरूर लगाना पड़ेगा। फंगोहिट एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जो सिस्टम में जाके काम करता है, और हम अल्टरनेट पहले कॉन्टैक्ट का कर लेंगे, फिर सिस्टेमिक करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि 3 स्प्रे आप लेते हैं तो ये रोग 100% आपके खेतों में कंट्रोल हो जाएगा। और यदि ये दवाएं आपके यहाँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम दवा भिजवा सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बीमारी बड़ी है तो कुछ दवाओं के, अंग्रेज़ी दवाओं के मैं नाम बता दे रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके देखें, हो सकता है कि इनसे आपकी ये समस्या रुक जाए। जो कुछ फंगिसाइड मैंने चुने हैं उसमें से आप कुछ को यूज करके आप देख सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट आपको मिलने चाहिए यदि ये दवाएं अवेलेबल नहीं है तो। एक तो स्कोर आता है सिजेंटा का, आप स्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डोज आप जहां से दवा लेंगे वो बता देगा। एक एमिस्टा टॉप करके फंगिसाइड आती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अडामा कंपनी की एक कस्टोडिया आती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 फंगिसाइड मैंने बताया, तीनों फंगिसाइड को आप इस पे, तीनों में से जो अवेलेबल हो इसे यूज करें। आप जहाँ से ये लेंगे वो इसका डोज बता देंगे, उसे यूज करें। और साथ में स्टिकर लगाना ना भूलें। इन चीज़ों को यूज करें, कोई दिक्कत होती है तो हमें फ़ोन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय